इस लड़के ने ना हमारे धर्म को बहुत गंदी गाली। इस लड़की की हिम्मत देख रहे हो? देखो चार बच्चियां देख रहे हो दोस्तों, मैं ना श्री राम जी का समय इस वीडियो को इतना शेयर कर। ये है एक ध्रुवाघात की बीमारी जो एक बार किसी को हो जाती है तो उसे ना आगे दिखता है ना पीछे, ना ऊपर दिखता है ना नीचे, ना दाएं दिखता है ना बाएं, उसे दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ वो इंसान जो 100-200 साल पहले हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था और जाके अब अपने थाराबाई जोगिंदर को दिख रहा है कि इतने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है, इससे बचना नहीं चाहिए। दोस्तों तुझे श्री राम की कसम, वीडियो को शेयर करो। जोगिंदर तुम थोड़ा सा बहन का लो। मैं ना श्री राम जी का समय इस वीडियो को इतना शेयर करना चाहता है। थाराबाई जोगिंदर छाती पीटते पीटते छाती में दर्द उठा लिया, तभी तो हिंदू धर्म का नाम लेके फलावर बढ़ा रहा है। अपने आप को असली हिंदू मानते हो ना? इस वीडियो को इतना शेयर करना, तुम्हें श्री राम जी का समय हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ाया है, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये पकड़ना है, वरना कल को और लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाएंगे। हम बोले थे ना, ये बीमारी जिसको एक बार पकड़ जाता है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। क्या बात कर रहे हैं? अब देखो थेरा भाई अगेंदर, सॉरी सॉरी, मतलब छाछुंदर, नहीं नहीं नहीं, जोगिंदर जोगिंदर जिस फोटो को दिखा रहा है वो फोटो 100 साल पुराना है और उसको सजा मिल चुकी है, लेकिन अपने प्यारे थारा भाई जोगिंदर को जाके अब दिख रहा है, क्योंकि ये जानता है कि मेरे डस्टबिन से निकले वीडियोस पे कोई लाइक तो करेगा नहीं, लेकिन मैं भगवान का कसम दूंगा तब तो लाइक करेंगे ना। तो मोदी जी आप इसे कुछ कहना चाहेंगे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देख रहे हो, पता है गौ माता क्या बोल रही है कि बेटा मेरे को कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है, मैं हमेशा ऐसे ये कूड़ा खाती रहूंगी। मैं तुम्हारी माँ की कसम है, वीडियो इतनी शेयर करना ताकि गौ माता को इंसाफ मिले। हाँ भाई, साफ साफ दिख रहा है कि कैसे माँ की कसम देके भले भले इंसान को गुमराह करके वीडियो शेयर करवा रहे हो। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। थारा भाई जोगिंदर को ये सब सब दिख रहा है कि गो माता कचरा खा रहा है, लेकिन अपने प्यारे थारा भाई जोगिंदर को ये नहीं दिख रहा है कि गो माता को पहले कचरा खाने से रोक ले, क्योंकि ये जानता है मुझे वीडियो जो बनानी है। और हिंदू धर्म में गाय को दान किया जाता है, शायद अपने प्यारे थारा भाई जोगिंदर को ये पता नहीं होगा क्योंकि वो फेक हिंदू है ना। अब आप ही लोग बताओ कि दान किए हुए गाय को घर लेके कौन जाएगा भाई? बात तो सही है। देख लो, ये हमारी माँ जिसको हम पूछते हैं और वो माँ कूड़ा खा रही है, पर इनको खाना नहीं मिलता। गलती उस गाय की नहीं है जो वो कचरा खा रही है, गलती तो उसकी है जो तुम्हारी तरह कचरा कहीं भी फेंक देता है, लेकिन अपने प्यारे थारा भाई जोगिंदर को ये नहीं दिखेगा कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। थारा भाई जोगिंदर को सिर्फ यही दिखेगा कि गाय कचरा कहाँ खा रही है। साले का खोपड़ी तोड़। अरे भाई, अब कचरा जहाँ तहाँ फेंकेगा तो बेचारी खाएगी ना। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देख रहे हो दोस्तों, ये आदमी कैसे हमारे भगवान को तोड़ रहा है, और इसने खुद बोला है कि मैं तोड़ूंगा और हिंदू धर्म मेरा क्या कर देगा। हमारे भगवान को कैसे तोड़ रहे लोग? लो अब हम लोग के चाहते पुनी सुपर स्टार को भी शामिल कर लिया। और एक्टिंग देख रहे हो लंडे की, इसके सामने तो बॉलीवुड के शाहरुख खान भी फेल है। अरे भाई, कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहे हो, इसका तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम अपना तो लिहाज करो। बात तो सही है। दोस्तों इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए, इस वीडियो को शेयर कर दो। तुम्हें माता रानी की कसम है, तुम्हें ना श्री राम जी का समय, अगर ये पकड़ा नहीं गया ना तो हिंदू भाइयों हमारे ऊपर थूक है। इस तरह का कसम देके वीडियो बना रहा है ना, आंख में 2 लीटर पानी थोप के, भाई सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। और भगवान भी पछताता है कि मैं कैसे इंसान को पैदा कर दिया यार। ओह, मैं तो कहता भाई उठा ले इसे। और जो ये तुम वीडियो दिखा रहे हो ना, उसमें दुर्गा माँ को नहीं उसको तोड़ रहा है जिसको दुर्गा माँ खुद त्रिशूल मारी है, लेकिन इसको वो थोड़ी ना दिखेगा क्योंकि आंख में 2 लीटर पानी थोप के रखा है ना। भाई थोड़े पैसे दो, पूरी मुंबई में कोई नहीं है क्या जो इस लड़की की मदद कर दे? इसका हार्ट टूटा हुआ है बेचारी, यहाँ पर भीख मांग रही है। आराम से देना भाई, डाल दो भाई, आ जाओ पूरी को, आओ पकड़ ले साले को, 60 रुपए दिया, 60 रुपए। अब वो बेचारी 60 रुपए से अपना इलाज कराएगा या कुछ खाना खाएगा? वो बेचारी का 60 रुपए से कुछ भलाई हुआ हो या ना हो, लेकिन अपने प्यारे थारा भाई जोगिंदर का बहुत कुछ भलाई हो जाएगा।
वीडियो बना के। शर्म करो भगवान से, डरो भोसड़ी से। क्या देखना पड़ रहा है? आप देखते हैं थाराबाई जोगिंदर को 60 रुपए में क्या भलाई हुआ है। आइडिया दोस्तों, मुझे एक गरीब दिख गया, ये गरीब के नाम पे चलो व्यूज लेते हैं। ओह सॉरी, मतलब इसका मदद करते हैं। देख रहे हो दोस्तों, गरीब का बच्चा, एक गरीब का बच्चा कैसे ठंड से कांप रहा है, देख रहे हो? तो चलो इसका मदद करते हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्या इतना कांप रहे हैं? ठंडा लग रहा है। तो चलो दोस्तों इसका थोड़ा मदद करते हैं। ठंड लग रहा है, ऐसे मदद करना चाहिए गरीब लोग को। गरीब का मदद करो ऐसे। ठंड लग रहा है ना? ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप लोग मदद करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई साहब थोड़ा देख रहे थे ना इस पर, थोड़ा देख रहे तो खोलिए ना भाई साहब। क्या होगा दोस्तों? देख रहे हो दोस्तों, एक गरीब आदमी का एक हाथ नहीं है, फिर भी ये काम कर रहे है। ये ठंड के मारे इसका हाथ चला गया, फिर भी ये काम कर रहे है। देख रहे हो दोस्तों, हाथ है ठंड के मारे छुपा के रखे। सॉरी दोस्तों, वीडियो बनाए मैं। इस वीडियो को शेयर कर दो, तुम्हें माता रानी की कसम है, तुम्हें ना श्री राम जी का समय। जिस तरह से कसमें खिला के लोगों को मजबूर कर रहे हो वीडियो शेयर करवाने का, काश तुम्हारी माँ भी कसमें खाई होती कि मुझे लंगड़ा लूला कुत्ता बिलाई सुअर कुछ भी देना, मगर ऐसा बेटा ना देना कि एनी टाइम सोशल मीडिया पे छाती पीट के ये कहे इस वीडियो को इतना शेयर करना तुम्हें श्री राम जी का समय, हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ाया है, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये पकड़ना है। और जो तुम ये फोटोज और वीडियो दिखा रहे हो ना, वो कई साल पुरानी है और उसको सजा मिल चुकी है। अरे यार, मैं समझा भी किसको रहा हूँ, इतना देर तक मैं कुत्ते का पूछ सीधा करता ना, वो भी घी लगा के, तो वो सीधा हो जाता, लेकिन ये कभी नहीं सुधरने वाला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो यार, कर दो लाइक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कम सब्सक्राइबर है, नया चैनल है ना। अबे साले तभी तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।